उनका दिल चुराया आपने ऐसे कैसे कि चोरी नहीं, नहीं बताइए आप तो बड़े चोर निकले चोर बहुत चौर, बड़े चोर निकले चोरी थोड़ी ना की थी

या yeah, या yeah, इसकी सक्सेस पार्टी में अनाउंस कर दिया था कि हम सीजन टू लेकर के आ रहे हैं सो लॉट्स ऑफ गुड विशेज फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम क्रिटिक्स फ्रॉम ऑडियंस फ्रॉम द इंडस्ट्री बट ऑल्सो लॉट्स ऑफ बिकॉज फर्स्ट सीजन वॉज अ ब्लॉक पास्टर सो कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है या yeah? और uh, uh, मुझे uh, पूरा विश्वास है कि सीजन टू भी उतना ही सक्सेसफुल होगा उम्मीद ये है कि uh, उससे ज़्यादा होगा विश्वास तो ये है कि उतना होगा कम से कम <laughs> सक्सेस का हिस्सा बनने कौन किसे अच्छा नहीं लगता सबको अच्छा ही लगता है जैसे हम पहली बार कुछ ट्राई कर रहे होते हैं तो हमें रहता है कि हाँ आई होप पसंद आए दूसरी बार ऐसा होता है ओ oh गॉड अब तो पसंद आना ही चाहिए लोगों को यू हैव दैट प्रेशर नो है वो सब प्रेशर लेने नाम मैंने लाइफ में बंद कर दिया है hmm. और आ, कहानी क्या है और किसके साथ बनानी है और अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है अच्छे क्रिएटिव माइंड से मिलना है और अच्छे एक्टरों के साथ काम करना है आ, बस उतना ही है जो रास्ता है वो अच्छा होना चाहिए फिर मंजिल अपने आप अच्छी बनी जाती है हाउ नाइस nice. गुलशन ये सीरीज़ की बात तो हम करते रहेंगे वो तो होनी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे ये करनी है कि वॉट इज़ योर ऑब्सेशन विद फेस मास्क

बट सेकेंड सीजन का ट्रेलर देख करके मेरा पर्सनल ओपिनियन ये मुझे ऐसा अच्छा लगा कि देर इज सम वलनरेबल साइड टू योर कैरेक्टर जो कि दिखाया जा रहा है थोड़े से आप वीक पढ़ रहे हैं क्या इस सीजन में ये बताइए वीक नहीं पढ़ रही हूँ आई थिंक कन्फ्यूज हूँ बिकॉज़ मैं सच जानना चाहती हूँ और मुझे पता नहीं है सच क्या है uh, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अपने पति के बारे में नहीं जानती थी जो मुझे पता चल रहा है एंड मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वो कैसे डील करूँ मैं कॉप भी हूँ सो आई हैव टू बी कॉप बट एट द सेम टाइम आई एम अ वाइफ एंड आई एम स्ट्रगलिंग बिटवीन द टू सो आई डोंट नो हाउ टू गेट एवरीथिंग टूगैदर एंड मूव अहेड हैड सो देर जस्ट टू साइड्स टू मी एट द मोमेंट कि जब मैं काम पर होती हूँ तो ऑफकोर्स आई एम द कॉप एंड आई एम डूइंग माई जॉब वेरी वेल बट बैक होम आई जस्ट डोंट नो हाउ टू प्ले अ वाइफ और अदर प्रॉपरली बिकॉज आई डोंट नो वॉज गोइंग ऑन इन द हाउस

उनको देख करके लगता है कि उनको पता है आप क्या छुपा रहे हैं hmm. <laughs> और दृष्टि को देख करके लगता है कि उसके बीच में पिस रही है हाँ. <laughs> यही है ना सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा है इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन याड नोट किया जाए यही कहानी yeah. है यही कहानी है पता चल गया बट हम आपसे अब सीधा सीधा तो डार्क सीक्रेट्स आपके निकलवा नहीं सकते हैं

I he said we are not giving the right answers. ऐसा मत करो। अरे <laughs> 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 वो मेरी strategy है यार तुम uh, अपना बनाओ। Copy क्यों कर रही हो? Yeah, of course. ऐसे yeah? तो सामने वाले को पैर मार करके दिखाना। <laughs> नहीं नहीं मैंने तो chips carry किए थे। हाँ। <laughs> And my friend got caught. So uh, I think TY uh, board exam. Oh. I don't know if I should be saying this. <laughs> <laughs> but now it's done. एक छोटा सा line copy किया था। uh, But no like yeah I mean I cheated and my friend got caught. Ooh. So, yeah, I got saved and that's so dark. Have you ever cheated? Yeah, Yeah. of course. और दिखाया भी है मैंने शेयर भी किया है मैंने, दिखाने के लिए नहीं आई कभी. एक टाइम पे तो मैंने <laughs> पेपर वेपर का भी एडजस्ट सेटिंग कर रहा था वो लगा नहीं मेरे हाथ में बट वो, वो तो बोर्ड एग्जाम पे मतलब पढ़ाई से मन उब गया था

हाथ पैर नहीं चलाया किसी के ऊपर मतलब नेल पेंट खराब हो जाएगा बेटर नॉट डू इट या नेल पेंट खराब हो जाएगा दृष्टि हैव यू एवर हैड अ सीक्रेट क्रश ऑन अ कोस्टार दैट नोबडी नोस अबाउट डार्क सीक्रेट द कीवर्ड इज नोबडी नोस अबाउट या दैट्स व्हाई इट्स अ सीक्रेट नो आई आल्सो डोंट नो अबाउट इट बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैड अ सीक्रेट क्रश ऑन यू दैट मस्ट बी ट्रू गुलशन व्हाट सीक्रेट क्रश ऑन अ कोस्टार दैट नोबडी नोस अबाउट चलो नाम नहीं पूछेंगे हाँ नहीं मेरा सीक्रेट क्रश तो शुरू साई पल्लवी से और खत्म साई पल्लवी से होता है बट शीज नेवर बीन माय को स्टार ये मेरी ट्रेजेडी है <laughs> ट्रेजेडी में कॉमेडी आप बनाते हैं हाँ ये हो गया ना ट्रेजेडी ही कॉमेडी है मेरी ट्रेजेडी सबके लिए कॉमेडी है आप तो आई एम श्योर ऐसा नहीं हो सकता है कि हुआ है ऐसा कभी नहीं हर बार होता है जो भी लीडिंग लेडी हो उस पर क्रश नहीं हो तो फिर उनको कास्ट क्यों करेंगे आई हाय दैट्स अ वेरी नाइस वे टू पुट इट एक्चुअली ओके हैव यू एवर स्टोलेन समथिंग या व्हाट आई एम नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग यार देन तो सच्ची में कोई आ जाएगा मेरे घर पे अभी कुछ छोटा मोटा कुछ हां यार किया है ना तो तेरा सोचना पड़ता है तो नहीं किया है बिल्कुल नहीं नहीं वो ऐसे होटल में से ऐसे कभी नैपकिन में द शैम्पू एंड कंडीशनर का बॉटल या वी आर ऑल रिलेटिंग टू यू

हॉस्टल uh, में फ्लैट्स होते थे तो म, हम हम लोगों को एक बेड uh, दे देता है क्योंकि इधर के लड़के उधर गए हैं तो आपको उनका ये मिल जाता है तो वो एक ने वो नैकी का स्लाइड छोड़ के गया था वो उसका खुद का था पेल लिया मैंने <laughs> <चला है। laughs> तो छोड़ के गया था ना ठीक <laughs> है स्मार्ट थिंग टू तो डू उसके नाक के नीचे से ले गया क्योंकि वो जल्दी वापस आ गया था ओह oh. तो ये थोड़ा ये मेरा शो अप है <laughs> <फ्लैक>। <laughs> चोरी तो कभी नहीं की लेकिन मुझसे चोरी बहुत हुई है mm. oh. <laughs> चीजें लेके काफी गए हैं अरे 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 बट दैट्स ओके अच्छा यू नो बिकॉज़ वी आर तो चुराए आपने बहुत लोगों का बहुत ही मतलब ah. शानदार और बड़े बड़ी खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस उनका दिल चुराए आपने ऐसे कैसे फुटियो में स्पॉट अब बताइए <पताएगे। laughs> की चोरी नहीं अब बताइए आप तो बड़े चोर निकले चोर, चोर बड़े चोर निकले चोरी तो नहीं ना की थी वो तो ऑफिशियली लिया था <laughs> <laughs> as you know uh, 91.9 fm रेडियो नशा पे हम रेट्रो कूल cool गाने बजाते हैं hmm. and one of the coolest things that have happened in the early 2000s was दृष्टि सॉन्ग संयम ओह माय गॉड early 2000s है?

आई बर शॉर्ट बिकॉज नो बडी इन माई हाउस गिविंग मी द परमिशन टू डू दैट म्यूजिक वीडियो एंड आई रिमेंबर मुझे ग्यारह लोगों को घर पे फोन करना पड़ा था लाइक माई मासीज एंड माई चाचाज एंड एवरी वन वॉज लाइक I don't know if you should do this. This line is not and all of that. And then finally, my cousin was like, "Listen, she's fine. Let her do it." And uh, then I went. I was like, Ha I will but I will not wear a short skirt." Oh. So they were like, "Okay, fine. We will give you pants, but let's do it." And then that's how I, That was my first music video. And my brother came on set, and you know how makeup the other like dab, they dab the sweat and also he came and they were dabbing something. He just walked out. He said. I don't like this people touching you here and there. I'm like, it's makeup. Mm. And he just was so upset that he walked away. And now, like, <clears throat> so many years, and I'm still here. My God, I'm so thankful that you stayed. I'm so thankful that you listened to because as a 90s kid, it is such an important part of my teenage. Yeah. I remember that song. I remember dancing with my friends on that song. So good on you, man. Thank you, Dhrushchev. Amazing. Yeah. No, I will say thank you so much. Yeah. Yeah.

तो और काफ़ी सारी स्टोरी आ, हम लोग ने ऐड की है और उसे उस स्टोरी को आगे ले गए हैं हम लोग तो आ, दुनिया वही है किरदार वही है कहानी थोड़ी सी चेंज कर दिया ओके okay. सो so, um, गुलशन कैन यू टेल मी हाउ हैज़ योर कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन टू इट्स मोर इमोशनल फॉर अभिषेक Yeah. अब तो पता ही चल गया है कि yeah. वो, so it's a lot more emotional. See, वो एक महसूस नहीं कर पाता है या नहीं कर पाता है या जाहिर अपने emotions को। अब इतना महसूस करने लगता है, तो फिर वो क्या होगा ना उसकी जिंदगी में? जर्नी और उसकी वो एक लव स्टोरी भी है इराक के साथ में उसकी भी बहुत टर्बुलेंट uh, और इमोशनल जर्नी होने वाली that's right Have Retro is right is it retro enough it is mm -hmm. is it a part of the film what this song duranga <laughs> <laughs> It's part of me it is yeah. it is but it's releasing on the 24th of October and I can't wait for it you know it's madness meeting you guys and it's a different kind of madness when we watch the show so I am waiting for it thank, thank, you thank, you so thank you so much thank you